अंकल शायरी वायरी आती है आपको कुछ? मैं कॉलेज कॉलेज के नाम बता देता हूँ आपको। 18 पढ़े लिखे हो आप? पढ़ा लिखा पक्का तो नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। दूसरी तीसरी क्लास तक गया था, पर यह दिल्ली में कैंडी बेचते बेचते 40 साल हो गए। ऐसी कॉलेज नहीं है जिसमें मैंने कैंडी नहीं बेची दिल्ली के अंदर। मैं आपको 18 सेकंड में 66 कॉलेज के नाम भी बता सकता हूँ। 18 सेकंड में? हाँ, सुनना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। मैंने उनको राहुल गांधी को भी खिलाई थी और पेम काथी उनको भी खिलाई थी, जिससे मैरी कॉलेज राहुल गांधी साउथ कैंपस में पढ़ते। रुको, पहले हम खा के देखते हैं। खा के देखना। कैसा टेस्ट है? ओ वेरी गुड, टेस्ट तो अंकल बहुत अच्छा है। मैंने अंगूठा करेक्ट करा ऐसे। गुड, बहुत अच्छा टेस्ट है। चलो अब आपसे सुनेंगे। सुनना चाहोगी ना? टाइम है ना? हाँ, आ जाओ। दिल्ली में 66 कॉलेज हैं। मॉर्निंग इवनिंग में आपको 18 सेकंड में सुनाऊंगा। आपका नाम है मिस्टर राजपूत कैंडी वाला। ओके, तो मैं एक मिनट आपका टाइम शुरू करता हूँ। अब टिक टिक ही चल चुके। अब मैं तीजन सी जे डूम बैंक सोनत कम्युनिकेशन खालसा डी सी सी एच एम भूसा सवाई सतपति इंकलोन बी एम सी जंगल सतपति गार्गी भारती इंदिरा गांधी खालसा डी सी सी एच एम भूसा शिवाजी सतपति भास्कर चार जामिया मिस्टर राजपूत कैंडी वाला अंडरस्टैंड गार्गी अंडरस्टैंड। वेरी नाइस। सो गाइस, आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कौन से बाल बोलते हैं इसको? कैंडी फ्लॉस। कैंडी फॉल्स, कैंडी फ्लॉस, ये बड़े लोगों के चोचले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बुढ़िया के बाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुढ़िया के बाल है पुराना नाम। हम तो ठहरे देसी बुढ़िया के बाल खा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी ये जो अंकल थे, इन्होंने कितने कॉलेज के नाम बताया आपने? 66 कॉलेज का सिर्फ 18 सेकंड में अगर नाम बोलते हैं तो आप इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा। हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि 66 कॉलेज के नाम। कॉलेज नहीं जिसमें मैंने कैंडी नहीं बेची दिल्ली, सारे कॉलेज में बेच दिया। मैं बेचा। कितने में? 66 मॉर्निंग इवनिंग 66। वो मैं आपको 18 सेकंड में बताया भी है। सारे कॉलेज के नाम बता दिया आपने। और ये राजपूत कैंडी वाला अच्छा। नाम है और मेरा नंबर है 3390878891। तो गाइस आपको बता दूं, अगर ये बुढ़िया के बाल आपको खाने, तो नंबर भी बता दिया अंकल ने। और 18 सेकंड में 66 कॉलेज के नाम बहुत बड़ी बात होती है। कामयाबी आपको मिली नहीं कहीं? अच्छा, दिन में मैं यहाँ बेचता हूँ, रात को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक केंद्र विद्यालय पर। अच्छा। उससे बाद में 11 बजे से लेकर 6 बजे तक सवेरे चंदन देवी हॉस्पिटल भाटिया की दुकान। ओ केमिस्ट। सो गाइज, इनको भी सपोर्ट करिए। आपको एक लेकिन एक बात बता दूं कि कभी भी किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अब आप नॉर्मल साइकिल पे बेच रहे हैं तो हम और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बुढ़िया के बाल बेच रहे हैं, लेकिन इनकी काबिलियत देख के ये पता चलती है कि शायद कहीं ना कहीं आप मैंने यही बेच बेच के ना, बड़ा बेटा मेरा बीटेक कर रहा मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग ऑटोमेटली है, और दूसरे वाला बीबीए कर रहा है एमडीयू कॉलेज। बुक्कड़ को देखो, कह रही है कैंडी क्रश बहुत अच्छी है। कैंडी क्रश नहीं, कैंडी फ्लॉस। हाँ चलो खा लो। और जो कम पड़ती पड़ता था तो खेत बेच बेच के पढ़ाए बच्चे। सो गाइस, भारत अभियान चल रहा है तो हम इसको डस्टबिन में डालेंगे। सो बिल्कुल गाइज, सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मैंने आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाया है। क्यों अच्छे शख्सियत थे? सिर्फ इनका ये जो फ्री में मिला था, राजपूत कैंडी वाले, राजपूत कैंडी वाले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपनी गरीबी की हालत देखते हुए भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और हर अपने माँ बाप का होते हुए भी कर्तव्य पूरा निभाया और अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचा दिया। तो किस मैं इन बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मुझे खाना खिलाएं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जो मैंने भटकता रहा हूँ ना सड़कों पर, कल को मेरे बच्चे ना भटकें, अच्छे अच्छे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ें, अच्छे गाड़ी घोड़े में ये भी घूमें, मेरी तरह गरीबाई ना देखें, इसलिए पढ़ा। बहुत अच्छी सोच है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? और अभी पढ़ ही रहे मेरे बच्चे 6 ईयर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बुलाएं।